प्रीवियस लेसन में हमने देखा था किस तरह से पोटेशियम मैग्नेट 7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, किस तरह से मैग्नेट 7 आयन मैंगनीज 2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। हमने देखा था किस तरह से मैग्नेट 7 आयन मैग्नेट 7 7 आयन रिड्यूस होकर मैंगनीज 2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंगनीज 2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यह होता क्या है, पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है, पर्पल कलर वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। और हमने ये देखा था कि पोटेशियम मैग्नेट 7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज हम देखेंगे इसी का दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 किस तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि यह ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमें पता है कि क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और यह डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। इट कैन एग्जिस्ट इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, बट यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, बट इट इज मोस्ट स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह खुद रिड्यूस होकर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। जब यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यह खुद रिड्यूस होगा और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। या हम यह कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर इसका कलर चेंज हो जाता है। यह पहले ऑरेंज था, बाद में ग्रीन हो जाता है। और होता क्या है, यह होता है डाइक्रोमेट 6 आयन। यह था पहले डाइक्रोमेट 6 आयन और रिड्यूस होकर के यह हो गया क्रोमियम 3 आयन। कलर चेंज का मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। भाई जब यह कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब यह रिड्यूस हो रहा है। जब यह रिड्यूस हो रहा है तो इसको कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस कर रहा होगा, तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि दूसरे सब्सटेंस में रिड्यूस करने की टेंडेंसी है या नहीं, या दूसरा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं। तो हम इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल इन ड्राइवर्स ब्रीथ, और हम इसको ब्रीदलाइजर टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। ब्रीदलाइजर टेस्ट। थैंक यू।